आपका बालक पीड़ित हो और रोना बंद नहीं कर रहा हो, वो अस्वस्थ रहता हो, रोग पकड़ में ना आता हो, सूखता जाता हो और दबा न लगती हो, तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से ये भी उपचार करके देख लेना, जाओ आपको अप्रतिम प्रभाव का दर्शन हो जाएगा, गौ माता की कृपा का दर्शन हो जाएगा उस बालक के ऊपर से। वो गौ माता की जो भारतीय परंपरा की गौ माता है, उसकी नहीं कह रहे, जो दूध देने वाली मशीन है। दूध देने वाली मशीन कौन सी होवे बेचारी, वो गर्मियों में जर्सी रहती है, कितनी गर्मी पड़े तो भी जर्सी, आग में जल रहे हैं भारतीय लोग फिर भी जर्सी। इसलिए भारतीय परंपरा की जो वेद लक्षणा गौ माता है, उसकी पुच्छ का परिभ्रमण कराओ। आप भी जाओ और परेशान हो, कोई कहे तुम्हारे पास राहु केतु है, दिन बहुत खराब है, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अनुकूल नहीं है, संकट में पड़े हो, अपने ऊपर से भी गौ माता की पूछ घुमाओ। सबसे पहले भगवान के ऊपर से गोपुच्छ भ्रमणा ये किया, उसके बाद गोमूत्र में बाला लाला को स्नान कराया, फिर भी मन नहीं माना तो गौ माता के चरणों की रज उठाई और उसमें सकृता माने गोमय का उसमें मिश्रण किया और एक एक अंग पर भगवान के एक एक नाम का उच्चारण स्मरण करती जाती और एक एक अंग पर भगवान के वो गौ माता के पवित्रतम चरणों की पावनतम रज और जिस गोमय में लक्ष्मी बसती है।